हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा पेस्टिसाइड लेके आई हूँ जो आपके प्लांट्स पे जो इंसेक्ट हो जाते हैं वो ख़त्म कर देगा, आपकी मिट्टी में जो इंसेक्ट हो जाते हैं उन्हें भी ख़त्म कर देगा। पेस्टिसाइड सभी तरीके के कीड़ों पे बहुत अच्छे से काम करता है और पूरी तरह से कीड़ों को ख़त्म कर देता है और कीड़े दोबारा आपके पौधे पर नहीं आते हैं। कोई भी प्लांट इंसेक्ट हो, ये सभी तरीके के कीड़ों पे काम करता है, चाहे एफिड्स हो, मिली बग्स हो। एफिड्स हमारे पौधों को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं, पूरे पौधे को कवर कर लेते हैं एफिड्स। चाहे बग्स हो, ये बग्स भी हमारे पौधों की पत्तियों को खा जाते हैं। स्नेल प्रॉब्लम्स जो हो जाती है मिट्टी में, उसको भी ये ख़त्म कर देता है। मिट्टी में कई तरह के कीड़े आ जाते हैं, उन्हें भी ये ख़त्म कर देता है। मिट्टी में भी अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो मिट्टी से भी कीड़े पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। इसको बना के आपको एक स्प्रे बॉटल में इसको भरना है, फिर इसका स्प्रे आपको मिट्टी में और पौधों में दोनों में करना है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होममेड पेस्टिसाइड है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको बना कर स्टोर भी कर सकते हैं। इसको बनाने का सामान आपको आपके किचन से ही मिल जाता है। बहुत ही पावरफुल पेस्टिसाइड बनकर तैयार होता है। उसके लिए आपको लेनी है 10-12 लौंग, 1 लीटर आपको पानी लेना है। पेस्टिसाइड पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, हमारे पौधों को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लौंग की स्मेल बहुत ही हार्ड होती है और आपको 10-12 काली मिर्च ले लेनी है। इसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है, इसकी स्मेल भी हार्ड होती है। और आपको लेनी है 1 स्पून हल्दी। हल्दी एक पेस्टिसाइड का भी काम करती है और फंजीसाइड का भी काम करती है। और आपको 1 चम्मच दालचीनी ले लेनी है, पीसी दालचीनी ले सकते हैं। और उसको पानी में पहले ही घोल लेना है आपको। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच सॉल्ट। सॉल्ट हमारी जो मिट्टी में कीड़े पड़ जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसको भी आपको पानी में घोल लेना है। और जो हमने लौंग और काली मिर्च ली है उसको थोड़ा सा तोड़ के टुकड़ों में कर लेना था और उसको मिला लीजिए। रखिए, अभी आपको हल्दी को इसमें नहीं मिलाना है। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद आप इसको 10 मिनट तक की बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद आप देखिए इस तरह से ये कलर चेंज कर देगा। ध्यान रखें 10 मिनट से ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना है। उसके बाद ही आपको इसमें हल्दी को मिलाना होता है। हल्दी को मिलाने के बाद आप इसको अच्छे से छान लीजिए किसी भी महीन चीज़ से, जिसमें बिल्कुल लिक्विड अच्छे से साफ हो जाए और स्प्रे बॉटल में फंसेना है। इस तरह से एक लिक्विड बनकर तैयार हो जाएगा और फिर आप इसका स्प्रे अपने पौधों पे कर सकते हैं। जहाँ भी आपके पौधों पे चींटियाँ आ रही हो या मिली बग्स हो, वहाँ पे आप इसका स्प्रे करिए। आप देखेंगे दूसरे दिन से ही इस पौधों पर कीड़े गायब होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी मिट्टी में कीड़े हो गए हैं, स्नेल्स वगैरह या कोई भी किसी भी तरीके का कीड़ा है, तो मिट्टी में थोड़ी सी गुड़ाई करके इसका स्प्रे करिए। इसकी महक से, और ये इतना हार्ड होता है कि इसकी महक से कीड़े बिल्कुल भी आपके पौधों में या मिट्टी पर नहीं आएंगे। पत्तियाँ अगर इन्फेक्टेड हो गई हैं तो उनमें भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपके प्लांट्स में जो पत्तियां काटने वाले कीड़े आ जाते हैं वो भी इसकी महक से नहीं आएंगे। अगर आपके पौधे पे थोड़े बहुत कीड़े लगे हैं तो 2-3 दिन तक इसका स्प्रे करिए। उसके बाद हर 15 दिन के गैप में इसका स्प्रे करिए। इससे आपके पौधे पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, कीड़े नहीं आएंगे। और इसका स्प्रे आप अपने सॉइल पर भी करते रहिए। सॉइल में जो कीड़े हो जाते हैं वो भी नहीं आएंगे और ख़त्म ही हो जाएंगे। जानकारी बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।